हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कल के लिए स्टॉक वॉच लिस्ट और इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। इंट्राडे सेशन में अमरा राजा बैटरी में एक लॉन्ग बिल्डअप फॉर्म हुआ है, तो इस वजह से आज इसमें 2.4% का एक अपसाइड को देखा गया और इसने 785.2 पे अपना क्लोजिंग दिया है। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो यहाँ पे आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक बाय सिग्नल को देख पाएंगे। आज इसने अपना वीवैप वैल्यू जो कि 783.93 है उसके ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है, तो इसमें भी एक बाय सिग्नल फॉर्म हो रहा है। वैसे हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक बेयरिश बुलिश मूव को देख सकते हैं, तो इसमें भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इसके एमएसडी इंडिकेटर में एक बेयरिश क्रॉसओवर को देख पाएंगे, तो इसमें आपको थोड़ा संभल के ट्रेड लेना चाहिए। तो ऐसे ही आपको 3 out of 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाय कॉल मिल रहा है, तो इस वजह से कल भी इसमें एक अच्छा सा उछाल आ सकता है, तो आप इसको कल बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आज REC लिमिटेड में भी एक अच्छा सा रैली को देखा गया। आज इसने 2.03% के अपसाइड के साथ 123.28.35 पे अपना क्लोजिंग दिया है। करेंटली हम इसके सेलर साइड में 1000 से भी ज्यादा शेयर्स को देख पा रहे हैं, लेकिन आज इसमें भी एक लॉन्ग बिल्डअप फॉर्म हुआ है, तो कल इसमें एक अच्छा सा उछाल आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो यहाँ पे भी आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक बाय कॉल को देख पाएंगे। आज इसने अपना वीवैप वैल्यू जो कि 128.5 है उसके जस्ट नीचे यानी कि 128.35 पे अपना क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे भी आपको एक बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। वैसे आप यहाँ पे इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं, तो इसमें भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको इसके MACD इंडिकेटर में एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको 3 out of 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाय कॉल देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से कल भी इसमें एक अच्छा सा उछाल आ सकता है, तो आप इसको बाय साइड के लिए कल कंसीडर कर सकते हैं। आज मनपुरम फिनेंस लिमिटेड में भी एक अच्छा सा उछाल देखा गया। आज इसने 1.64% के अपसाइड के साथ 99.6 पे अपना क्लोजिंग दिया है। करेंटली हम इसके सेलर साइड में 18,000 से भी ज्यादा शेयर्स को देख पा रहे हैं, तो कल ट्रेड ओपन होने के टाइम इसमें थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो यहाँ पे आप इसके वीवैप वैल्यू पे एक बाय सिग्नल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि आज इसने अपना वीवैप वैल्यू जो कि 99.13 है उसके जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। वैसे हम आज दिन भर इसमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक बाय कॉल को भी देख पा रहे हैं। वैसे आप इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर को यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें भी एक बाय कॉल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप इसके MACD इंडिकेटर में भी एक बुलिश सिग्नल को देख पा रहे हैं, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल कल के लिए जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है, तो इस वजह से कल आप उसको बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में एक बड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखा गया और इसने आज 5.26% के डाउनसाइड के साथ 36.0 पे अपना क्लोजिंग दिया है। करेंटली हम इसके बाय साइड पे 35,000 से भी ज्यादा शेयर्स को देख पा रहे हैं। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो यहाँ पे आपको कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल जाएगा, तो आगे भी ये गिरावट का सिलसिला जारी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवैप वैल्यू पे एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल को जनरेट होता हुआ दिख पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बेयरिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, इसमें भी एक सेल कॉल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप इसके MACD इंडिकेटर में भी एक बेयरिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं और इसका हिस्टोग्राम भी करेंटली नेगेटिव साइड में है, तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से कल आप इसको सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज फेडरल बैंक लिमिटेड में भी एक बड़ा सा गिरावट देखा गया। आज इसने 3% के डाउनसाइड के साथ 88.5 पे अपना क्लोजिंग दिया है।
और करेंटली हम इसके सेलर साइड में 20,546 शेयर्स को देख सकते हैं। तो इस वजह से कल ट्रेड ओपन होने के टाइम इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखी जा सकती है। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवा वैल्यू पे एक सेल कॉल देखने को मिल जाएगा। वैसे ही हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बेरिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इस वजह से कल इसमें एक गिरावट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। और यहाँ पे आप इसके एमएसईडी इंडिकेटर में सिग्नल लाइन को एमएसईडी लाइन से ऊपर देख पा रहे हैं और इसका हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड में है, तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से कल आप इसको सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज रेमोन लिमिटेड में भी एक गिरावट को देखा गया। आज इसने 0.91% के डाउनसाइड के साथ 809.45 पे अपना क्लोजिंग दिया है और करेंटली हम इसके सेलर साइड में 200 शेयर्स को देख पा रहे हैं। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुक करते हैं तो आज इसमें थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट रही, लेकिन फिर भी हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक बेरिश सिग्नल को देख पा रहे हैं। आज इसने अपना वीवा वैल्यू जो कि 815.69 है उसके बहुत ही नीचे अपना क्लोजिंग दिया है, तो इससे कल हमें एक बेरिश ट्रेंड का फोरकास्ट मिल रहा है। वैसे ही हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक बेरिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं, तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल हमें देखने को मिल रहा है। हम इसके एमएसईडी लाइन को इसके सिग्नल लाइन के नीचे देख पा रहे हैं, इसका हिस्टोग्राम को भी हम नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, तो ऐसे ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल कल के लिए जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको भी कल सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज निफ्टी में 30 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग देखे जाने के बावजूद रुपी में आए हुए गिरावट की वजह से दिन भर इसमें एक साइडवेज मूवमेंट देखा गया और फाइनली इसने 10,905.2 पे अपना क्लोजिंग दिया है। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस की ओर रुख करें तो हम डाउ जोन्स को 52 पॉइंट्स, S&P 500 को 5 पॉइंट्स और नैस्टैक को करेंटली 20 पॉइंट के डाउनसाइड पे देख सकते हैं। करेंटली हम निफ्टी 50 के फ्यूचर को लगभग 45 पॉइंट के अपसाइड पे देख पा रहे हैं। तो कल अगर ग्लोबल इंडेक्सेस डाउनसाइड में क्लोज होते हैं तो हमें फिर से निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की ओर रुख करें तो हम इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले 71.135 के लेवल पे मूव करता हुआ देख पाएंगे और ये करेंटली अपने मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है, तो इस वजह से ये लेवल कल और ऊपर की ओर मूव कर सकते हैं। आगे अगर हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो आज इसने सेकेंड कंसेक्यूटिव डे के लिए एक बेरिश कैंडल को फॉर्म किया है और हम इसके RSI इंडिकेटर में एक साइडवेज मूवमेंट को साइडवेज ट्रेंड को भी देख पा रहे हैं। तो कल अगर ग्लोबल मार्केट में डाउनसाइड बनी रहती है तो हमें इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अभी हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप इसके पुट साइड में 10,800 के लेवल्स पे पुट को अनवाइंड होता हुआ आप देख सकते हैं और आप 10,700 के लेवल्स पे इसको ऐड भी होता हुआ देख पाएंगे। तो अभी 10,700 के लेवल्स पे 37,12,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो कल अगर मार्केट नीचे की ओर मूव करे तो हमें 10,700 को एज ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल मान के ट्रेड लेना चाहिए। वैसे ही हम पुट साइड के बाद कॉल साइड में 11,000 के लेवल्स पे 1.45 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 37,90,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए 11,000 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल मानी जा सकती है। आगे अगर हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करें तो आज इसने एक बेरिश कैंडल को फॉर्म किया है और करेंटली ये अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन कल
ये 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 27,413.27 है उसके नीचे आ सकता है। आगे अगर हम इसका आरएसआई इंडिकेटर की ओर रुख करें तो इसके अपट्रेंड का जो अपट्रेंड में है इसमें भी थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। करेंटली ये 59.11 के लेवल पे चल रहा है, तो निफ्टी का मूवमेंट कल इसमें भी गिरावट का कारण बन सकता है। आगे हम इसका ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुक करते हैं। यहाँ पे आप इसके पुट साइड में 27,500 के लेवल्स पे 1.3 मिलियन पुट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। करेंटली इस लेवल पे 18,22,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने को मिल रहा है, तो कल के लिए ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल मानी जा सकती है। वैसे ही हम नीचे के लेवल पे 27,600 और 27,700 के लेवल्स पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं, तो अभी के लिए 27,700 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल मानी जा सकती है क्योंकि ये करंटली 27,600 के बहुत ही क्लोज है। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।